हेलो भाई, मैं हूं पवार। जैसा कि आपको पता है, हम लोग भाई यहां पे रुके थे कल, देखिए, और दिल्ली में यहां पे हमने स्टे किया था, क्योंकि भाई हमको आज जाना है अपना पीसी बिल्ड करवाने, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहां पे देखो हमने कहां पे गाड़ी पार्क करी थी। यहां पे दिल्ली में ना एक यही समस्या है कि आपको पार्किंग ना बहुत मुश्किलों से मिलती है, हमको मिली नहीं, तो बहुत लिमिटेड। हाँ, अब बहुत लिमिटेड यहाँ पे हमारी ये सेंटर वगैरह गाड़ी है, लेकिन होटल वाले भाई इसको हटवा के फिर हम लोग निकलेंगे कहाँ, नेहरू प्लेस के लिए, जो कि सबसे मोस्ट फेमस मार्केट है हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए। तो इनको हटवाते हैं यार, बताओ कितना कंडीशन है। ये कुछ ऐसा दिखता है भाई आपका नेहरू प्लेस। भाई हम लोग यहाँ डोलते बहुत देर होगी, यहाँ पे इतने कन्फ्यूजन होते हैं ना, बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो भाई दुकान ही दुकान है यार, अब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से लें, कौन सा ट्रस्टेड है कौन सा नहीं है। अरुण ने हमसे कराया है भाई, सब देख रहे हैं ये कौन हीरो आ रहे हैं इतने बड़े हीरो। कौन सी कैबिनेट चुनना है तेरे को बता। ये वाला सही है, इसमें चार फैन है, एक पीछे तीन आगे है, पीछे भी चल रही है लाइट। आपको तो ये पसंद आ रहा है वैसे है? अगर हम बात करें तो अरे वैसे बेसिक है, अरे मतलब सिंपल अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा ओवर सा हो जा रहा है, सिंपलिसिटी में ये फैसला है। बी 660 अब लग रहा है भाई, दोस्त से पूछ ले आप जिसको नॉलेज है उसी से। अरे मेगाबाइट विद वाईफाई वाला, वाईफाई ब्लूटूथ दोनों होता है, ब्लूटूथ भी है यही 500 GB डालते हो जैन 3 तो होगा वो 3690 का EL 500 डालो आ जाएगा। हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ये देखो बड़े भाई, हाँ ले लो आप, दो फैन है, पहले हमने ये बनवाया 240, लेकिन ये थोड़ा हल्का लगा, फिर अंकल हमको 120 है मैम। अभी इनके दोस्त आ रहे हैं जो जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, वारंटी कार्ड मिलेगी ना सबकी, समझ पक्का बिल मिलेगा, समझा समझ गया। कितने का बन रहा है अंकल ये? एक मिनट अब देखो हमारी क्या होगी, इसकी जो वारंटी होगी 3 ईयर। अरे तो वारंटी छोड़ो, प्राइस बताओ कितना बन रहा है? 1,18,685 1,18,000 685 चलो भी देखते हैं। ये देखो भाई हमारे पास अपना ये आ चुका है, और हम लोग जरा सोच रहे हैं भाई ऐसे ये ठीक है नहीं है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा मैटर रहता है ना कि मैं पूछ लेता हूँ, बारिश भी हो रही है, सुन भी रहा होगा। हाँ हाँ, क्या करना है आकाश भाई बताओ। मैं तो कह रहा हूँ डन करते हैं भाई, खामो खाई की नए नए खाना खा रहे हम लोग और दुकान पे पूछने लग रहे हैं। आपको सबको बिल दिखाऊंगा पे कितना डिफरेंस आ जाता है। कितना डिस्काउंट मिल गया? 500 में क्या होता है मिश्रा जी, तो हम क्या करें भाई, जो देगा वही तो पूछ के आ रहे हैं। 500 भाइयों हमको हो गया, यहाँ पे बहुत टाइम, मतलब 4 बज गए हैं, और हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हमने थोड़ा बेटर स्पेक्स वाला DDR5 वाला सिस्टम बनवाया मिश्रा जी के कहने पे, और ये बस 500 रुपये का डिस्काउंट लेके आए हैं 1,28 के बिल पे, इसमें जिसमें कैबिनेट भी नहीं है, 6,000 का कैबिनेट अलग है। यार बस ठीक है, चलो करते हैं भाई इसको फाइनलाइज। अगर भाई हम तो समझते थे कि बस करोल बाग में टाइम लगता है ना, लेकिन ये तो भाई उससे भी खतरनाक चीज़ है, टाइम यहाँ घूम घूम के लगता है, जैसे अगर दुकान ना पता हो, क्योंकि रेट तो भाई हर जगह से लेने चाहिए। हाँ, रेट तो हमने 4-5 दुकान पे से लिए, सबसे सस्ते इसी के लगे ना। हाँ भाई साहब, 4-5 लोग पता क्या कर रहे थे, एक चीज पे कम है ना प्राइस तो औरों पे बढ़ा रखा था, ऐसा करते किसी पे ज्यादा किसी पे कम किसी पे ज्यादा किसी पे कम, अलग अलग पार्ट का रहता है पूरा। हमने इसमें फाइनल कर दिया भाई, हमने ना जो आपको मैं दिखा रहा था उससे थोड़ा हाई सेटअप बनवा लिया है। कैसे चाहिए भाई, कैबिनेट के लिए डोल रहे हैं हम तो, मेन मिला एक पे, फिर मैं पूछा उससे तो बोला कि मिल जाएगा, मैं बोला कितने दिनों, बोला कि बताओ अभी मंगा दूंगा। हाँ कितने का मंगाने कहा, लेकिन ये फोन किया तो मैं वापस आ गया। ये 6700 का दे रहा है,
काट लिया, फिर कहता है नहीं है, फिर इसको जब लगी मिर्ची की यार पैसे आ गए, कैसे उल्टा दूं, तो फिर मंगवा रहा है कहीं से, पता नहीं कह रहा है। हम अब आपको डिटेल में बताते हैं क्या क्या है। सबसे पहले पावर सप्लाई इसमें अभय सेटिस्फाई क्यों नहीं है, अभय नहीं है इसमें सेटिस्फाई, क्योंकि ये है सेमी मॉड्यूलर और ब्रॉन्ज, ठीक है, हमको चाहिए था फुल्ली मॉड्यूलर। तो तूने लिया क्यों नहीं, वो अंकल नहीं माने हैं। अंकल यार हमने नहीं, तो तेरे को ज्यादा मोटिवेट कर दिया अंकल। हाँ ये कुछ नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ छोड़ो। अब यहाँ पे ये आया हमारे पास में जो टीवी के सी गेट की हार्ड डिस्क, इंटेल कोर अनलॉक्ड i7-12700K, ठीक है, प्रोसेसर है ये, प्रोसेसर जनरेशन। यहाँ पे आई है हमारे पास 16GB की बाद में भाई साहब हमारे पास में आता है डीप कूल का LE500 का CPU कूलर, आपका लिक्विड कूलर, लिक्विड कूलर हटाओ ये भी हटाओ, चलो भाई साहब। इसके बाद में आ गया मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ये हमने सबसे तगड़ा वाला लिया जो भी था, वाईफाई और ब्लूटूथ भी है इसके अंदर, MSI और बेटर, लेकिन 10,000 रुपए महंगा था वो, 10,000 महंगा था। हाँ और ये वो एक्स्ट्रा वाले जिसमें DDR5 रैम लगती है, तो इसमें एक्स्ट्रा पैसे लग गए थे ना पुराने वाले से। ओके Z690UDAX आप इसको जरूर लें, और मदरबोर्ड जो है वो हमारी मदर की तरह होती है, तो मतलब बेस हमारा, तो मदर को अगर हम मजबूत रखेंगे, हमारी मदर मजबूत रहेंगी, तो काम मजबूत तरीके से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए वो छोड़ो, अभी ये छोड़ो भाई, कैबिनेट हमारा आ गया, इधर देखो उधर कैबिनेट देखो आ गया, ठीक है वो तो ये तो दिखा दे, ये क्या मेन चीज, ये भाई आपका कलरफुल का ग्राफिक कार्ड जिसमें कलर चलते हैं, इसके अंदर कलर भी लगे, कलरफुल कंपनी का है कि हां। अरे यार गीगाबाइट वगैरह ले रहा था ये तो मिस हो गया। चलो अब ये सब हो गया ना, अब आप देखो इसका मैं आपको बिल जरूर दिखाना चाहूंगा, इतने काम को क्या क्या पड़ा है आप हमको बता सकते हो, क्या महंगा है क्या सस्ता है, ग्राफिक कार्ड इसमें डाल दो, डाल दो सब डाल दो। ये देखो भाई हमारी इंस्टॉलेशन चालू हो गई है, कितना मस्त लग रहा है यार ये मदरबोर्ड, गेमिंग वालों का सा लग रहा है। हाँ देखना भाइयों, और ये बहुत महंगा है, ये भी 31,000-32,000 रुपए का है ये, गेमिंग वालों जैसा लग रहा है। अरे मतलब उनके होते हैं ये देखो यहाँ पे लगता है इसका प्रोसेसर, अगर रुक जाए यार प्रोसेसर देख मेन चीज, ये देखो ये होता है इसका दिमाग असली, हाँ ये भैया इसको इंस्टॉल करने आते हैं गाजियाबाद से ये लग गया इसका प्रोसेसर डन भाई, बहुत इजी होता है, कितने टाइम लगते हैं इसका इंस्टॉलेशन में भैया, 15-20-22 मिनट, ठीक है भाई, इनमें से कोई कुछ भी लग सकता है। अब इसके बाद लगेगा इसमें लिक्विड कूलर, इनको प्रो एक्सपीरियंस है, कितने आज तक हाईएस्ट कितने लाख तक का आपने सिस्टम बनाया है, हमारा तो कम से कम 2,000-3,000 में काम कर रहे हैं, 2003 से एकदम प्रो हो चुके हैं, जस्ट लाइक दिस, मतलब वो बस ऐसे आंखें बंद करके खोल के लगा देते हैं, हां बस फटाफट फटाफट फटाफट। ये देखो भाई हमारा इंस्टॉल पूरा हो चुका है इसका, और मस्त चल भी गया है पूरा सेटअप, लेकिन दिक्कत ये लोग विंडोज नहीं डालते हैं, विंडोज और हमको कहीं और डलवानी पड़ेगी, बताओ हम टेस्ट कैसे करें यार। बस हमने मॉनिटर भी खरीदा है, वो कौन सा वो मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट में, ये दिखाओ इसमें, दिखाओ आप इसमें क्या क्या है, पहले ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है आपका Z690UDAX, ठीक है, 12th generation प्रोसेसर है, 12700K, 16GB रैम हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया 60 आपका 2TB की हार्ड डिस्क, ठीक है ना, 2TB की हो गई, ठीक है, और M.2 वाला हार्ड डिस्क है आपका, यहाँ आएगा ये देख लो भाई सारी स्पेक्स इसमें आ गई हैं, जो जो है सब कुछ ओरिजिनल है, जो कि यहाँ पे कंप्यूटर में अपने को दिख गया है, दो तीन ये हमारा सेटअप रेडी है भाई, लेकिन दिक्कत ये हो गई हमने वो RGB वाला मांगा था ग्राफिक्स कार्ड, अब इसमें है नहीं, पर चलो छोड़ो यार, इन हम मिसकम्युनिकेशन हो गई, वो अब इतनी लाइट बहुत है यार, देखो अच्छा लगेगा अंधेरे में अब। और ये लिए भाई हमने इसका मॉनिटर जो कि 4K है सैमसंग का, अभी इसके अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं, ओहो इतनी बढ़िया, हाँ चल रही है चल रही है, रुक जा पूरी ओके है भाई, हमने टेस्ट कर ली पूरी ओके है,
कर्व्ड है भाई ये देखो, आप देखो ये ऐसे मुड़ी हुई रहती है और अल्ट्रा स्लिम बेजल है। इसका हम क्या चीज है, गाड़ी लेके आए हो? हाँ गाड़ी। हाँ तो गाड़ी नंबर लिखो यहाँ सही करो। आप बताओगे? तो अंकल जी कितने का कंप्यूटर बनाया आपने हमारा, फाइनल बताओ प्राइस। मॉनिटर है 29,000 का। 29,000 का? हाँ। अच्छा 134,844 का सिस्टम है। टोटल कितना हो गया? 134,849 आपकी गणित देखते हैं मिश्रा जी। अभी हम लोग भाई विंडोज डलवा लेते हैं क्योंकि ये तो डाल के देते ये हैं, पता नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग भाई विंडो का काम रह गया, बाकी तो सब डन है। और मॉनिटर भी उन्होंने 29,000 का दिया भाई। यूपीएस भी रह गया, वो हम लोग हार से लेंगे आपसे नहीं लेंगे। ठीक। हाँ यार इतना महंगा देते हैं। बाकी शाम का व्यू कुछ ऐसा आता है भाई देखो। तो भाई हमारी विंडोज वगैरह सारा कुछ हो चुका है। ये देखो भाई ये जा तो अपना सीपीयू, ये बस जा रहा अपना मॉनिटर और आकाश खाली डिब्बे लेके जा रहा है। अब हमको लेने भाई कीबोर्ड माउस व्हाइट कलर के। और हम अब यहाँ पे भी तो बनाने ना, लेकिन किसी पे भी नहीं है यार व्हाइट कलर का। हम कम से कम 10-12 पे तो पहुँच जा चुके हैं अब तक। अब अभी क्या कहना चाहेगा इन सारी कंपनियों को इस बारे में? भाई मतलब इनको मार्केट की नॉलेज ही नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ है। हाँ बस ब्लैक कलर बना के बैठ गए हैं। 20 हो गए ना सारे, 20 स्टोर हो गए ना यार। व्हाइट कलर का कौन ही लेता, सारा सेटअप व्हाइट और वो तो ब्लैक लेगा। हाँ पता नहीं क्या है। और ढूंढेंगे क्या? ब्लैक ले लें। मैं तो यही कह रहा हूँ ब्लैक ही ले लेते हैं, बढ़िया सा लाइटिंग वाइटिंग वाला। भाई हमारा ये तो भाई गया थक, और हम लोगों ने फाइनली ना थक हार के ब्लैक ही ले लिया। कहाँ पे हमारा कीबोर्ड कहाँ पे है? ये ही ले लिया। और एक यूपीएस भी ले लिया भाई, माइक्रोटेक का 150, ये 1250। सीपीयू आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। अब कैसे करें भाई? ये देखो हम सारा सामान ले आए हैं, इतना सारा भाई डेल के स्टोर में वही कीबोर्ड 1800 का, लोकल दुकान पे वही सेम मॉडल 1250 का भाई। स्टोर पे तो, हाँ स्टोर पे तो भाई भरोसा मत करो भाई। हमने तो आज पागल बन जाए, हम करने ही वाले थे, हमने ऑनलाइन चेक करा 1400 का। हमने कहा भाई देख 400 रुपए का फर्क है, उसने बोला नहीं भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा, दुकान पे वही मॉडल 1250 मिलेगा विद बिल जीएसटी का। खैर अभी इसको जमाते हैं भाई, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको सेटअप वेटअप करेंगे। और अपना पूरा इसमें देखना जगह ही नहीं है, बेस ट्यूब और स्पीकर ने वैसे खा रखे। ये देखो भाई पूरा सामान वैसे इसमें जम चुका है, 1250, 1200, 29,000, 1,34,000। ये तो पता नहीं, ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ये 2150। ये यूपीएस है क्योंकि भाई हमारे वहाँ पावर फ्लक्चुएट बहुत होती है, तो हमको चाहिए कि हमारा डेटा सेव रहे। चलो भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पीसी सेटअप देखने के लिए। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसे पीसी रिलेटेड और भी वीडियोज देखने हो, मतलब इसी से रिलेटेड नए हम रोज बिल्ड नहीं करते। वीडियो देने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।